और जो देखी है वो ये भी है कि पूरे हिंदुस्तान में जहां पे भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे होते हैं तो वो कोशिश करते हैं या सबकी यही कोशिश रहती है कि दिल्ली जाके तैयारी की जाए तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे वही चीज है जो मैंने अभी आपको जवाब दिया है आ, ये भी बड़ी फनी सी बात है ये, ये कंसेप्ट बड़े टाइम चलता आ रहा है बीच में एक, एक एटीज में अलाहाबाद जिसने तैयारी करनी हो कहते हैं हम अलाहाबाद जाएंगे उसकी तैयारी अलाहाबाद बड़ी अच्छी होती है अब दिल्ली सेंटर बन गया है ये वही चीज ऐसे ना आईआईटी की तैयारी करनी हो आज का लगवे थे कि आप कोटा जाओ कि कोटा में मतलब कि भगवान खुद लेने आपको आएंगे और भगवान सब कुछ सिखाएंगे और आपको आई में सिलेक्शन खुद करवा के आएंगे बट ये समझाना बड़ा मुश्किल काम है भाई अब पटना के अंदर टैलेंट है तो एक सुपर थर्टी का बैच चलता है तो वहां से क्या बच्चे लोग आई में नहीं जाते हैं बिना कोचिंग के क्या लोग आई आई में नहीं जाते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा है कभी दिल्ली देखी ही नहीं है दिल्ली वो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के टाइम में देखते हैं तैयारी अपने घर में रह के करते हैं या अपने लोकल इंस्टीट्यूट तैयारी करते हैं वही बनते हैं लेकिन वही बात है कि इंसान जो है फिर अगर आपका सिलेक्शन हरियाणा पंजाब या यूपी के किसी एरिया में रह के ना हो किसी लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जारी करने के बाद भी ना हो या अपने आप तैयारी करने के बाद भी ना हो तो अपने में कमी निकालने की बजाय आप उस लोकलाइज इंस्टीट्यूट में या या फिर अपने आसपास के माहौल में कमी निकालना शुरू कर देंगे फिर क्या करते हैं आप जाए कहा दिल्ली जाते हैं जी वो ये नहीं कह सोचते कि दिल्ली में भी ढाई तीन लाख बच्चा तैयारी कर रहा है निकलता था वही नौ है ना क्या सारे दिल्ली में तैयारी करने बच्चे बन जाते हैं और क्या सारे के सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे लोकलाइज जगह तैयारी कर रहे हैं चंडीगढ़ में कर रहे हैं या पंजाब किसी शहर में तैयारी कर रहे हैं वो नहीं बन पाते हैं ऐसा कौन सा सर्वे है भाई लेकिन हम एस्केपिस्ट होते हैं अगर मान लो दिल्ली में रह के भी आपका ना हुआ तो फिर हम दोष किसको दें फिर दोष हम अपने में निकालते हैं क्यों और कोई एस्केप रूट ही नहीं है और कोई बली का बकरा बन ही नहीं सकता किसको दोष नहीं होती है फिर दोष हमारा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली में जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा और बाकी जगह पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला हो अब देखिए इसमें लोग कहते हैं ना सर दिल्ली ना में ना एक एनवायरमेंट मिल जाता है पढ़ने का एक कंपटीशन आ जाता है मेरे ख्याल से जिसने पढ़ना है जिसकी पढ़ने की इच्छा है वो स्लम में रह के भी बन सकता है जिसकी पढ़ने की इच्छा है वो शोर में बैठ के ही पढ़ सकता है जिसकी पढ़ने की इच्छा नहीं है वो महल में एसी कमरे में बैठ के भी नहीं पढ़ सकता जिसको बनना है वो इंच मतलब कोई की कंपटीशन है कि नहीं है जगह कैसी है कैसी नहीं है कुछ नहीं वो अपना पूरा फोकस अपनी तैयारी